आपको यह तो पता ही होगा कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि मनुष्य की सद्गति दुर्गति अगला जन्म व अगले जन्म के भी सुख दुख सब मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर करता है। यह भी सत्य है कि आपके हाथों की रेखाएं प्रतिदिन बदलती रहती हैं। यह सब केवल कर्मों का ही खेल है। कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। इस वीडियो में हम आपको कर्मों की गति को उदाहरण सहित समझाने का प्रयास करेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म क्रियारूप है। कर्म अपना फल देने के बाद ही समाप्त होते हैं। जब तक कर्म फल नहीं देते तब तक वे समाप्त भी नहीं होते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य सामने आता है। पूरे विश्व में कैसी भी परिस्थिति आ जाए या अन्य कोई व्यवस्थाएं आए, परंतु न तो एक पिता के सभी बेटे एक जैसे होते हैं, न ही एक गौ की सभी बछियां एक जैसी दूध देने वाली होती हैं, तथा न ही एक गुरु की कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक जैसे प्रतिभावान होते हैं। व्यक्तियों को एक जैसे धन साधन सामर्थ्य सुविधाएं मिलने पर भी उनका एक समान व्यक्तित्व नहीं निखर पाता। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते हैं। एक ही पद पर बैठा हुआ एक आदमी तो सम्मान प्राप्त कर लेता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसी पद पर बैठकर वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर लें, जो व्यवस्था परमात्मा की है, जो कर्मों का संविधान है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। प्रायः माता पिता बच्चों के भाग्य को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि हमने इनका भाग्य बना दिया। भाग्य लिखने वाला मनुष्य नहीं, विधाता है। जो वह लिखते हैं वह जीवन में जरूर सामने आता है। मनुष्य किसी का भाग्य निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा ही दूसरों को दोष देता है, लेकिन जो भी दुख हम भोग रहे हैं वे हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आपके खाते में जुड़ जाते हैं। कर्मों में जो अच्छे हैं वे अच्छा फल देंगे और जो बुरे हैं वे बुरा फल देंगे। इसे हम कथा द्वारा और भी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार एक गांव में भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर था। वहां रोज एक पंडित और एक चोर आते थे। पंडित अत्यंत भक्तिभाव से शिवलिंग पर फल और दूध चढ़ाकर पूजा करता था। वो वहीं बैठकर शिवस्तोत्र का पाठ करता और घंटों श्रद्धा से शिव का ध्यान करता। दूसरी ओर उसी शिव मंदिर में एक चोर भी प्रतिदिन आता था। वह आते ही शिवलिंग पर डंडे मारना शुरू कर देता और अपने भाग्य को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहता। अपने भाग्य का सारा दोष वह भगवान शिव पर मढ़ता और उन्हें अन्यायी व पक्षपाती ठहराता। एक दिन पंडित और चोर दोनों साथ साथ ही मंदिर में आए और अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराने लगे। कुछ समय बाद दोनों मंदिर से बाहर आए। तभी चोर को द्वार के बाहर आने पर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। उसी समय पंडित के पैर में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया। सिक्के मिलने से चोर को अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु पैर में गहरा घाव होने के कारण पंडित बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पंडित से बोले, पंडित जी,
आज के दिन आपके भाग्य में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ घटित होने वाली थी, किंतु मेरी पूजा करके अपने सत्कर्म से उस घटना को आपने केवल एक गहरे घाव में बदल दिया। और अगर इस चोर के बारे में बात करें तो आज के दिन इसे राजा बनकर राजसिंहासन पर बैठना था, किंतु इसके कर्मों ने इसे केवल स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। यह सब इस चोर के दुष्कर्म और आपके सत्कर्मों से ही संभव हो पाया। वस्तुतः अपना भाग्य निर्माता मनुष्य स्वयं ही होता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो सुपरिणाम के रूप में अच्छा भाग्य पाएगा, और अगर वह दुष्कर्म करेगा तो फलस्वरूप वह दुर्भाग्य का पात्र बनेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया तो जरूर होती है, पर उस प्रतिक्रिया से बचने की विधि भी सीखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर ने दवा दी और अगर दवाई का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो कहा जाएगा कि डॉक्टर की दवाई बेकार है। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हंसकर आगे चल गए तो उसकी गाली बेकार हो गई। ऐसी शक्ति अपने अंदर अवश्य पैदा करनी चाहिए, जिससे कोई आपको चिढ़ाना चाहे, जोश दिलाकर गिराना चाहे, निंदा करके क्रोध दिलाना चाहे, द्वेष करके मार्ग से भटकाना चाहे, मुकदमेबाजी में डालना चाहे या संसार में फंसाना चाहे, परंतु आप इन सब से पूरी तरह अप्रभावित रहें। यहाँ पर भी आपके सत्कर्मों और परमात्मा की कृपा कार्य करती है। आज की वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान से आप प्रभावित अवश्य हुए होंगे और आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री।